सो फाइनली दोस्तों गदर एक प्रेम कथा गदर मचा रही है हर जगह दोस्तों, हर जगह सीटियां तालियां बज रही है थिएटर के अंदर। आपको बता दूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे दोस्तों इसने सारे झंडे गाड़ दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बाहुबली का पहले भाग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसके अलावा सुनील शेट्टी ने क्या कह दिया सन्नी पाजी को और टीजर कब तक आएगा दोस्तों, सारी खबर इस वीडियो के अंत तक देखूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा मेरी सारी बातें। इसके अलावा दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने कल वाली वीडियो पे मुझे बहुत प्यार दिया था और भर भर के लाइक कमेंट दीजिए। ऐसे ही अपना प्यार बरसाए रखे यार, बरसाए रखे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि फ्राइडे को ये फिल्म गदर री रिलीज हुई थी और दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़ दिए, बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दूं फ्राइडे का जो कलेक्शन आया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 30 लाख रुपए का आया था दोस्तों। ये 30 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, आपको बताऊंगा इसके पीछे का सच। 30 लाख आया था शनिवार को दोस्तों, कम से कम इस फिल्म में बताया जा रहा है कि 80 लाख के आसपास का कारोबार किया था। और आज संडे है, ऑक्यूपेंसी दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ के आ रही है। इनफैक्ट 80% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। मॉर्निंग शोज में भी दोस्तों 50% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। कुल मिलाकर दोस्तों थिएटर में ना सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंज रहा है, उसके बाद सीटियां बज रही है, तालियां बज रही है। और चाहे दोस्तों राजमंदिर हो, जयपुर हो, मुंबई पीवीआर, जुहू हो, दिल्ली हो दोस्तों, बिहार हो, हर जगह दोस्तों आपको बता दूं हर जगह दोस्तों गदर को लेकर बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। सन्नी पाजी का जो इलाका है ना दोस्तों, सन्नी पाजी का इलाका ये यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और दोस्तों मुंबई, ये ऐसी जगह है ना, और हिमाचल प्रदेश भी दोस्तों, यहां पर तो सन्नी देओल का गढ़ माना जाता है। और जब भी सन्नी देओल की फिल्में आती है ना, लोग पागल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको बता दूं दोस्तों कि आज भी लोग सन्नी देओल से प्यार कर रहे हैं, उनकी फिल्मों को देखने के लिए पागल हो रहे हैं, चाहे वो 90s में रिलीज हो, चाहे वो सन 2001 या 2002 में रिलीज हो, आज भी दोस्तों लोग पागल है। इसके अलावा दोस्तों आज है संडे, संडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कहा जा रहा है कि ये फिल्म आज 1 करोड़ भी कमा सकती है। संडे की शाम तक दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि 3 दिन का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर लगभग ये फिल्म दोस्तों 2.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि एडवांस बुकिंग 2 दिन में इस फिल्म ने लगभग दोस्तों 50 लाख के आसपास का कारोबार किया था। कुल मिलाकर 3 करोड़ का जो मैंने प्रोडक्शन किया था दोस्तों, आज शाम तक रात तक 3 करोड़ तक फिल्म का कलेक्शन हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको बता दूं दोस्तों गदर एक प्रेम कथा को ना बहुत ही कम स्क्रीन मिले हैं और लगभग शोज की बात करूं तो ये 700 शोज पे रिलीज हुई थी फिल्म। अनिल शर्मा ने 100 स्क्रीन और बढ़ा दी, यानी कि 100 शोज और बढ़ा दिए लोगों के क्राउड को देखते हुए। आप देख सकते हो दोस्तों थिएटर में बहुत क्राउड हो रहा है और जबकि ये 800-700 स्क्रीन पर 30 लाख का कलेक्शन कर रही है। आप सोचो दोस्तों जब बाहुबली का पहला भाग री रिलीज किया गया था फिल्म मेकर्स के द्वारा, SS राजामौली के द्वारा, तो 4000 स्क्रीन पर इस फिल्म ने दोस्तों लगभग 30 लाख के ऊपर ही कमाई की थी। अगर दोस्तों ये फिल्म 4000 स्क्रीन पर रिलीज होती ना, पूरे भारत में री रिलीज होती तो लगभग ये फिल्म 2 करोड़ का कारोबार करती, 2 करोड़ का ओपनिंग करती। लेकिन दोस्तों कम स्क्रीन मिलने की वजह से कम कैपेसिटी में रिलीज ही किया गया था यार। अनिल शर्मा ने बहुत ही कम जानबूझ के इसको कम स्क्रीन से दिया गया क्योंकि ये री रिलीज है। अब स्क्रीन बढ़ाए जा रहे हैं, अभी 100 स्क्रीन और बढ़ गए, 800 स्क्रीन हो गए। हो सकता है कि आज की कैपेसिटी को देखकर शायद 200 स्क्रीन और बढ़ा दे। दोस्तों थिएटर के जो ऑनर है ना, इस फिल्म को लगाने के लिए पागल हो रहे हैं, अपने थिएटर में इस फिल्म को लगाने के लिए पागल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि OMG 2, एनिमल और गदर 2 क्लैश होगी 11 अगस्त को। दोस्तों आपको बता दूं जब इस फिल्म का इतना ज्यादा हाइप हो रहा है, 22 साल के बाद भी ये झंडे गाड़ रही है, 22 साल के बाद भी लोगों का रिएक्शन देखा यार मैंने, लोगों का रिएक्शन क्या आ रहे हैं भाई साहब, लोग पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार फिर से पंप उखाड़ेगा सन्नी देओल, कुछ कह रहे हैं भाई दामाद आ गया है पाकिस्तान का, कुछ कह रहे हैं कि भैया लाहौर लेके जाएगा यार, ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं। लोगों के रिएक्शन देख के मैं पागल हो गया भाई, ये हो क्या रहा है। कुछ हेटर्स ये बोल रहे हैं कि यार 2001 में फिल्म आई थी और तो 2023 है, तो ये बताओ जो यंगस्टर है उस फिल्म को नहीं देखेंगे। भाई साहब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना आप लोग, दर्शक लोग यार, आप लोग एज यंगस्टर ही हो, आप में से बूढ़ा कौन होगा, यंगस्टर होंगे आप। भाई साहब वो बंदा कह रहा है, एक है यूट्यूबर, उसका भी खुलासा करूंगा, उसने बोला था कि भाई यंगस्टर लोग इस फिल्म को नहीं देखेंगे क्योंकि यंगस्टर यानी कि जो यंग लोग है, यंग जनरेशन है, वो एनिमल की तरफ जाएगी। वही बात करूं दोस्तों कि टीजर यूट्यूब पर कब आएगा, दोस्तों सबसे बड़ी क्वेरी चल रही है कमेंट में, बहुत सारे फैंस लोग, बहुत सारे ऑडियंस, मेरे दर्शक लोग ये पूछ रहे हैं कि सर टीजर कब तक आएगा, रवि भाई टीजर कब तक आएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि टीजर, यार देखो टीजर अगर फिल्म मेकर्स अनिल शर्मा जी नहीं
फील आ रहे हैं तो कोई ना कोई इसके पीछे की वजह होगी, आप वजह को समझिए। मुझे ऐसा लग रहा है, जो अभी इसमें श्योर नहीं हूं मैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 15 तारीख को यानी 15 जून को टीजर आने की पूरे चांस लग रहे हैं, 22 साल उस दिन पूरा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूट्यूब पे उस टीजर को रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ एक ओकेजन का वेट कर रहे हैं फिल्म मेकर से। तो आप घबराइए मत यार, लोग इसका कड़ा विरोध भी कर रहे हैं, हेटर लोग कि टीजर नहीं आ रहा यूट्यूब पे, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या फिल्म मेकर डर गए हैं? भाई ऐसा नहीं है, जब टीजर आ जाएगा ना तो समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लग जाएगी भाई, सबकी लग जाएगी, सब पीछे हो जाएंगे, और जो लोग हेट कर रहे हैं ना उनकी भी हवा टाइट हो जाएगी। इसके अलावा सुनील शेट्टी का मैंने भी इंटरव्यू देखा, ओ माय गॉड, सुनील शेट्टी यार भाई, ये बंदा है ना, ये बंदा भाई हर जगह बोलता है और बिल्कुल सही बात बोलता है यार, सैल्यूट है यार सुनील शेट्टी जी को। इन्होंने पता क्या बोला अभी इंटरव्यू में कि सन्नी पाल जी की गदर जो है ना, पहले भाग ने उस टाइम पे रिकॉर्ड बनाया था, इस बार री रिलीज के बाद भी रिकॉर्ड बना रही है, और गदर 2 है ना बॉलीवुड की सबसे बिगेस्ट फिल्म होने वाली है, गदर गदर मचा देगी। और ये फिल्म दोस्तों फिल्म नहीं है, इमोशन है, ये सुनील शेट्टी जी ने कहा है अपने इंटरव्यू में। वहीं दोस्तों बुक माई शो पे ना आज दिल्ली में भी खचाखच, सारे बुक माई शो पे सारी सीटें फिल है, भगवा दिख रहा है हर जगह, फास्ट फिलिंग दिख रहा है, मुंबई में फास्ट फिलिंग, हैदराबाद पुणे में फास्ट फिलिंग दोस्तों, इसके अलावा आपको बताया था मैंने महाराष्ट्र में फास्ट फिलिंग, ठीक है। तो दोस्तों तमाम जगहों पे फास्ट फिलिंग चल रही है। इसके अलावा अनिल शर्मा जी ने अपनी वीडियो भी शेयर की जिसके अंदर लोग थिएटर में भर भर की सीटें नहीं मिल रही है दोस्तों, ये क्रेज देखने को मिल रहा है सन्नी देओल का गदर 2 को लेकर दोस्तों। और आपको बता दूं कि ये फिल्म है, फिल्म नहीं, इमोशंस है, भारत का इमोशंस है, और हर बंदा इस फिल्म को जाकर देखेगा, और अकेले नहीं अपनी फैमिली के साथ जाएगा, अपने बच्चों के साथ जाएगा, अपनी बीवी के साथ जाएगा। दोस्तों आप किसके साथ जाओगे नीचे कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, और दोस्तों गदर कितने करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन करेगी नीचे डिजिट लिखो यार, ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, नंबर लिखो 1000 5000 कितने करोड़ कारोबार करेगी। जय हिंद जय भारत, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करो यार।